हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारा चैनल प्लास्टिक। दोस्तों, कल सैटरडे को मैंने टेस्ट रखी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से संडे को कर दिया था। तो मैंने बहुत मेहनत करके डिज़ाइन करवाया था टेस्ट को, लेकिन थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कोई भी प्राइवेट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से है, उन पहले उनको पैसे देकर अपग्रेड करना पड़ता। तो इस बारे में मैंने बढ़िया तरीके से नहीं समझा था, इसलिए कल मुश्किल आई। और उसमें लिमिटेड जो 50 सीट्स थी, तो 50 स्टूडेंट ने जब लॉगिन कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद के किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि 50 के बाद करने के लिए आपको महीने के 5,940 रुपये देने पड़ते। तो इसलिए और एट ए टाइम नहीं कर पाया, लेकिन उसका मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया हूँ। और कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत उम्मीद से, बहुत मेहनत के साथ टेस्ट लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कल अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन आपको एक बताता हूँ, आज अभी 10 बजे मैं एक PDF डालूँगा। उस PDF में आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा PDF रहेगा, क्वेश्चन पेपर की तरह रहेगा। आपको एक पेज लेना है, उस पेज पर अपना नाम लिखना है इस तरीके से। पेज पर नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये चारों चीज़ लिखना है। और फिर नीचे 1, 2, 3, 4 करके 100 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। इन 100 क्वेश्चंस का आंसर दे करके आपको इधर दिए गए एक ईमेल पर आपको भेजना है। इस ईमेल पर भेजने के बाद जो है आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाता है। और 1 वीक के अंदर, क्योंकि अब तो मैनुअली चेक करना है, तो हर ईमेल को, हर PDF को, हर पेपर को आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट में। एक वीक के अंदर प्रयास करूँगा देने का, लेट भी हो सकता है, लेकिन प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इतना आप अगर ज़्यादा इच्छुक हैं तो आप इस तरीके से देंगे। बहुत लोग इंतजार करेंगे, तो फिर उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। आप इस तरीके से टेस्ट लगा देना, ठीक है। और टेस्ट के बारे में एक नियम बताता हूँ, फिर बार बार तुम डाउट्स में जाके पूछोगे नहीं टेलीग्राम पे कि क्या है। पहले क्वेश्चन पेपर 10 बजे डलेगी, तो 10 बजे से लेके 90 मिनट स्टार्ट करना है। तो 10 बजे डलेगी, तो मैं 10 बजे नहीं बल्कि 9:50 में डाल दूँगा। आपको टेस्ट 10 बजे से स्टार्ट करना है, अपने मोबाइल में टाइमर लगाना है 90 मिनट्स का टाइमर लगा करके ऑनेस्टी के साथ देना है, क्योंकि आप अपने आप को तभी आँक पाओगे ईमानदारी से कि मैं कहाँ हूँ अभी। समय ज़्यादा लोगे, चोरी करोगे, क्वेश्चंस अगर देख के आंसर देते हो, फिर सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ईमानदारी अगर नहीं है तो सिलेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। चोरी करके कोई भी सिलेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ आप अच्छे तरीके से पेपर देना। 10 बजे आपको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और 11:30 यानी कि 90 मिनट के बाद 11:30 बजे आपको अपने आप से ही टाइमर्स तो आपका लगा रहेगा, टाइमर्स जैसे ही बजेगा आप बंद कर देना पेपर, जितना भी पेपर सॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 11:30 से लेकर 11:40 तक के बीच में ही आपको पेपर को सबमिट कर देना है उस ईमेल पर सेंड कर देना है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ही आपको सेंड कर देना है। 11:40 के बाद जिनका भी ईमेल आएगा वो अनवैलिड हो जाएगा। 11:30 से लेकर 11:40 के बीच में ही जिनका ईमेल आएगा उनका ही रिजल्ट में शो कराएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, 11:30 से लेकर 11:40 के बीच में जिनका ईमेल आएगा वही रिजल्ट में दिखेंगे, 11:40 के बाद भेजने वाले जो है वो रिजल्ट में नहीं दिखेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे भेजते रहोगे तो फिर टेस्ट का है, ठीक है। उसके बाद 1 वीक तक मैं रिजल्ट देने का प्रयास करूँगा, उसके बाद जो भी विनर्स होंगे उनको गिव अवे दे दूँगा मैं, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रयास करूँगा अगला जो टेस्ट हो उसमें मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ 5,000-6,000 लगा करके, और फिर डिजाइन करूँ टेस्ट के लिए अनलिमिटेड लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हुई, आज टेस्ट दे लो। आज अभी तो मैं बेंगलोर में हूँ, कुछ प्लान अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट्स मेरे पास नहीं है। मैं अभी थोड़े अपने रिलेटिव घर आया था, लेकिन जैसे ही सिकंदराबाद पहुँचता हूँ परसों, फिर से तुरंत धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। बुक्स मैंने ऑर्डर कर दी है कुछ, जो कि कुछ नए टॉपिक्स को मैं ऐड करने वाला हूँ, तो आप तैयार रहिएगा नए चीज़ों के लिए और नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।